जाहिर है कि अब इस एक्सचेंज इवेंट को तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। रुक जाइए, ये बात हम तय नहीं कर सकते। यार यूजी, तुम्हारी और उस गोरिल्ला की दोस्ती कब हुई? मुझे ठीक से याद नहीं है कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि मैं शायद तब होश में नहीं था। मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है कि तुम ठीक हो फुशीगुरो। चलो अब तुम भी पिज्जा खाओ। ऐसी चीज लाते जो मुझे भी पसंद आती। खाओ चुपचाप, तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जाओ भाई, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। दोनों मिडिल स्कूल से करीबी दोस्त है भाई। पर हम एक ही मिडिल स्कूल में नहीं थे, समझे कि नहीं? मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। अब हम प्ले बॉल। तुम क्या कहते हो, एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए? जिनका मरने वालों से रिश्ता होता है, सिर्फ उन्हें ही दुख मनाने का हक है। तो दो सीनियर तो वाकई में बहुत अकलमंद है ना? अकलमंद के साथ पागल भी। जब स्टूडेंट को लगता है कि वो अपना पूरा जोर नहीं लगा पाया, तो ये बात उसे चुभती है। मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम ही जीतेंगे, तो क्या सिंगल बैटल के लिए ओपोनेंट तैयार कर लें? इस साल सिंगल बैटल्स नहीं होने वाली। मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कॉम्पिटिशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। क्या हुआ? हुआ? बेसबॉल। आप कब आए? लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। यहाँ वापस आओ, गो जाओ। आउट। हाँ, क्यों? रूल्स नहीं पता तो बताना चाहिए था ना मुझे। ये तो बहुत ही अच्छी वजह है। स्ट्राइक, बैटर आउट। बैट नहीं घुमाओगे तो बॉल को कैसे मारोगे? मुझे तो हुकू की मिस माँ कहते हैं। और मिस माँ तो एक पिचर है। बनीटो फ्लेक्स। हाँ? ये क्या बकवास है? दोबारा तो भड़क गई। अरे रुको, 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 अरे रुको। साफ दिख रहा है कि ये एक पिचिंग मशीन है। तो मशीन्स के बारे में तो बहुत पता है, क्या तुम तो मैकेनिक हो? या चालें चलना कभी नहीं छोड़ोगी। आउट है। वाह! तीन रन बन गए। क्या? हाँ, चीटिंग करते हो? बनीटो फ्लेक्स। अगर इस बार मैंने होम रन मार दिया, तो अगली बार तुम होम रन मारा। पहले तुम इस गोजो का कुछ करो। ये तो